फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल ब्यूटी रेमेडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का वीडियो ना हेयर मास्क के बारे में है फ्रेंड्स। हेयर मास्क ना यानी कि हेयर पैक ना हमें हफ्ते में तो एक बार ज़रूर अप्लाई करना चाहिए फ्रेंड्स। आप किसी भी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ना अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हो ताकि आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो फ्रेंड्स। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें क्रिस्टल ब्यूटी रेमेडीज़ को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे लिए ना हेयर पर अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे यूज़ करके ना हम हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे ग्रे हेयर प्रीमैच्योर हेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करना चाहिए फ्रेंड्स। कोई सा मास्क आप अप्लाई कर सकते हो, कोई हेयर पैक या हेयर मास्क अप्लाई करते हो ना तो वो बहुत ही महंगी आती है ना। लेकिन मैं आज एक सिंपल सा एक होम रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपके हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और आपके हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होगा फ्रेंड्स ना। आप हेयर फॉल ना इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगा इसे अप्लाई करने के बाद। इसके लिए ना हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है लेना है फ्रेंड्स, आप कोई सा भी अच्छे वाली आंवला पाउडर लेना है आपको। आंवला पाउडर में ना बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहता है फ्रेंड्स। ये ना हमारे हेयर को हेयर फॉल्स को भी कंट्रोल करता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को ना स्ट्रॉन्ग बनाता है और डीपली नरिश करता है। और ये हमारे स्काल्प के जो फॉलिकल्स रहते हैं और जितने भी सारे डेंड्रफ्स का प्रॉब्लम रहता है ना उसे ये कंट्रोल करता है। और आंवला में विटामिन सी रहता है जो हमारे हेयर्स को हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आंवला पाउडर लेना है। आप अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से ले सकते हो फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून ले रही हूँ क्योंकि मेरी शॉर्ट हेयर है। सेकेंड इन्ग्रीडियंट है ये मुलेथी पाउडर। सेकेंड हमारा इन्ग्रीडियंट मुलेथी पाउडर है फ्रेंड्स। ये ना हमारे हेयर प्रॉब्लम्स के हेयर के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं ना वो उसे सारे को ये क्योर करता है। और ये हमारे केमिकल डैमेज को भी, एक्सेसिव हेयर कलरिंग को भी फ्रेंड्स, और हमारे हेयर लॉस को भी ये कम करेगा। और ये हमारे ड्राई एंड इरिटेटेड स्काल्प को ना नरिश करेगा फ्रेंड्स डीपली। और ये ना एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स हमारे हेयर मास्क के लिए। और ये हमारे हेयर को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, थिकर बनाएगा और हेल्दियर बनाएगा। और जितने भी सारे अनहेल्दी हेयर रहते हैं ना उसे ये रिपेयर करेगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा फ्रेंड्स। तो आपको मुलेथी पाउडर लेना है फ्रेंड्स। ये आपके जो ड्राई स्काल्प एंड हेयर रहता है ना उसे ये नेचुरली मॉइस्चराइज करेगा। और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फ्लेवोनॉइड्स रहता है फ्रेंड्स। इसीलिए ना ये हमारे हेयर मास्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ये भी अपने हेयर लेंथ के हिसाब से ही लेना है। आप कम ज़्यादा आप देख के ले सकते हो। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है एसेंशियल ऑयल। लेमन एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन जूस का भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। लेमन जूस ना या लेमन एसेंशियल ऑयल ना हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। आपके हेयर स्काल्प पे बहुत ही ज़्यादा डेंड्रफ हो जाता है ना तो ये लेमन एसेंशियल ऑयल ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसमें विटामिन सी रहता है फ्रेंड्स। तो आपके स्काल्प से ये बहुत ही अच्छे से रिमूव करेगा डेंड्रफ को और सिर्फ 1 यूज़ में ही ये निकाल देगा आपका डेंड्रफ। तो आपको एसेंशियल ऑयल अगर आप लेते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा नहीं लेना है, 1 to 2 2 to 3 drops ही ऐड करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसीलिए हमें किसी ना किसी के साथ डाइल्यूट करके ही अप्लाई करना चाहिए अपने हेयर्स पर। इसको हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसे मिक्स कर दिया है और अभी हमें क्या करना है, अपनी स्काल्प पर ही इसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स। वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने थोड़ा सा ही बनाया है सिर्फ और सिर्फ स्काल्प पर अप्लाई करने के लिए। और स्काल्प पर इसे अप्लाई करने से हमारे हेयर फॉलिकल्स ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेंथ पर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ इसे। आपको क्या करना है, अपने स्काल्प पर ही इसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स। जब आप इसे अप्लाई करोगे ना अपने फिंगर टिप के मदद के साथ ना इसे अच्छी तरह से आपको मसाज करना है। और फिर आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 आवर तक इसे रख देना है अपने हेयर पर। उसके बाद अपने हेयर को माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश कर देना है फ्रेंड्स। माइल्ड शैम्पू इसी वजह से क्योंकि हमने अगर कोई सा भी होम रेमेडी ट्राई किया है ना, कोई भी होम रेमेडी से मास्क ट्राई किया है तो वो उसका जो बेनिफिट्स रहता है ना, अगर हम हार्स वाला शैम्पू यूज़ कर देते हैं तो उसका जो बेनिफिट्स रहता है वो चला जाता है। इसके लिए आपको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। और जब आप इसे वॉश करके आओगे आपको नेचुरली ही अपने हेयर को ड्राई होने देना है फ्रेंड्स। कोई सा भी हीट प्रोडक्ट
बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इसे अपनी स्काल्प पर अप्लाई कर देना है, और इसका जो खुशबू रहता है ना बहुत ही अमेजिंग सा आता है फ्रेंड्स, क्योंकि लेमन एसेंशियल ऑयल का जो खुशबू रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। कि स्काल्प बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि लेमन एसेंशियल ऑयल ना हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही इसमें ऐड किया है। आप 1 आवर तक इसे रख सकते हो अपनी स्काल्प पर, उसके बाद आप नॉर्मल ठंडे पानी के मदद के साथ और माइल्ड शैम्पू के साथ इसे वॉश कर देना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो हेयर मास्क के बारे में। अगर आप ये वाला हेयर मास्क डेली बेसिस पर ट्राई करोगे ना तो आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।